स्वस्थ रहने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट अस्वस्थ रहने के अगेंस्ट हम लोग मुहिम छेड़ रहे हैं। और जो स्वस्थ रहना है, जो हेल्थ है, उसमें स्वच्छता का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। और यहाँ पे मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये लेट्स क्लीन बक्सर का जो कंसेप्ट है वो प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। और इस बात की मुझे खुशी है क्योंकि बहुत सारी परिचर्चाओं में हम लोगों ने ये बोला है कि जब तक जन भागीदारी अगर नहीं होती है तो कोई भी मुहिम जो है वो सफल नहीं हो सकता है। तो मैं लेट्स क्लीन बक्सर को शुरुआत की है, मैं सबसे पहले उनको सलाम करते हुए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक पानी उनके लिए पहुंचती है। कुछ बातें जो हम लोगों के बीच हुई थी जब स्वच्छता पे परिचर्चा या फिर बक्सर के सौंदर्यकरण पे हम लोगों ने जो चर्चा की थी, वहां पे हम लोगों ने कहा था कि पदाधिकारी आते हैं और फिर वो चले जाते हैं, उनका कार्यकाल लिमिटेड होता है। और उसमें क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का इनिशिएटिव अगर होता है वो कुछ दिन के बाद अगर खत्म हो जाता है, अगर है उसमें जन आंदोलन नहीं बन पाए और जागरूकता प्रॉपर नहीं हो पाए। हम लोग जो है सभी लोगों के माध्यम से साथ साथ वो युवाओं जो उसमें जुड़ नहीं पाए हैं, मैं उनको भी आह्वान करना चाहूंगा कि इस मुहिम में जुड़े। और अभी हम लोगों ने देखा कि एक वार्ड में वही प्रयास किए तो तुरंत वो साफ अंतर वहां पर दिखने लगा। तो हम लोगों का बस अपील यही है आप लोगों से, सभी जो बक्सर के निवासी से, सभी युवाओं से, सभी जो समाज सेवी हैं, जितने भी व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, सभी से अनुरोध यही है कि सिर्फ आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने दुकान के आगे, अपने घर के जस्ट आगे का जो परिसर है उसको आप साफ रखें, ऑटोमेटिकली है आपको स्वच्छता दिखेगी। क्योंकि एक तरीके का वॉक ये है और उसी में भी स्वीप को लेके जो कार्यक्रम हम लोग मतदाता जागरूकता का चला रहे हैं, तो हमारा कोशिश था कि इसके लिए भी अवेयरनेस रहे। और वॉक फॉर रन एक प्रोग्राम जो है हमने साथ ही साथ रखा था। और जो मीट फॉर इंडिया फ्रीडम है, इसका उद्देश्य न सिर्फ स्वस्थ रहना है बल्कि स्वच्छता भी फैलाना है। और आप सभी ने देखा कि प्रशासन के सभी कर्मी और जितने भी खेल एसोसिएशन के लोग थे उनकी तरफ से भी सहयोग मिला, सभी ने ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। तो ये उम्मीद रहेगी कि ये मैसेज सब तक जाए, जन जन तक जाए। और ये स्वीप जो अभी आगामी विधानसभा का चुनाव है उसके लिए सबसे पुनः मैं अपील करूंगा कि सभी लोग अपने घरों से निकलें और वोट अवश्य दें। एक एक वोट का महत्व बहुत है, ये ना समझे कि एक वोट नहीं देंगे तो कुछ हो जाएगा। या बन रहा है कचरा का अलग बात है, लेकिन प्लास्टिक का बाकी कर रहे हैं। एक छोटा सा अगर भी अगर रख लीजिएगा तो क्या दिक्कत है उसमें? रखे नहीं थे ये, आगे से आपका जो है दिखना नहीं चाहिए किसी भी दुकान पर प्लास्टिक हो। देखिए डब्बा फेंके हुए हैं प्लास्टिक का, क्या पता नहीं उसमें होगा। आज जा रहे सर ले ले। उसके बाद बोतल देखिए आप ऐसे ही फिक्स फेंक कर रखे हैं, ये उठाएंगे उठाइए आप वो दे दीजिए ले लीजिए, इसमें रखिए, इसमें रखिए, और इसको भी डस्टबिन में फेंकना है या इधर फिर कोना में नहीं रख देना। ये उठवा के ये करवा दीजिए, ये जितने भी अभी जाएंगे ना तो हर एक दुकानदार के सामने होगा, कम से कम वो करेगा सर। ठीक है सर। अरे तुमको जेल जाना है क्या? ये आपके दुकान के आगे जो है जिम्मेदारी आपकी है, देखते रहना है। एक डस्टबिन या कार्टून कुछ भी रखवाइए, हम लोग इधर उधर ना। अपने दुकान के आगे की साफ करें, अनेक बार मैं पूछ इसके बावजूद तुम्हारे पास कूड़ा है उठाने के लिए क्या उपाय है? कौन मेरा कौन कूड़ा ये तो गंगा जी ने हमें तुमको किनारे दिखाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, रिमांड कर देगा, फाइन होगा। ये नगर परिषद के तमाम लोग
अब जो भी लोग कूड़ा करेंगे उनको फाइन करेंगे। ठीक है सर, कम से कम 500 रुपया फाइन होगा। ठीक है सर, कम से कम। और अगर ज्यादा कूड़ा दोबारा करेंगे तो 1500 रुपया फाइन होगा। डालो डालो। तो ग्लव्स को या तो अपने घर ले जाइएगा या तो डस्टबिन में डालिएगा। और आखिरी में यही किला मैदान के इस शेड के नीचे ही इस कार्यक्रम का समापन होगा, जिला पदाधिकारी महोदय के और उप विकास आयुक्त महोदय के संबोधन के साथ। तो आप सबसे अनुरोध है कि अंत तक बने रहिए। अब मैं, सभी लोगों ने ग्लव्स पहन लिया, पहले पहन लीजिए, कैरी बैग ले लीजिए सभी लोग जल्दी से। स्वस्थ रहने के लिए फिजिकल फिटनेस योगा आवश्यक है। और मत कहने बाबा, आदमी झाड़ू थोड़े लगाने के लिए है, लेकिन हाँ सांकेतिक झाड़ू इसलिए लगा रहा है कि लोगों को समझ में आए। गुटखा पान पराग ये बिल्कुल नहीं खाए। इस पैंडेमिक में, इस कोविड के महामारी में गुटखा और पान पराग आपके इम्यूनिटी को भी नुकसान करता है। एक डस्टबिन रखिए और अपने ग्राहक को कोविड की जीत उसी डस्टबिन में डालें। गुटखा पान पराग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। अरे किसका घर है, आइए आपका है। जिसका बुलाई नहीं, जिसका ऐसे इंतजार कर रही है। मास्क पहने, पहले मास्क पहना ना, मास्क। नारायण प्रसाद श्रीवास्तव कहाँ है?